नशा तक्षरी रुकण का नाम नहीं लै रही है। आए दिन मामले सामने आते रहते हैं। तो एक होर मामला जिहड़ा सामने आया सुन के एक बार तां तुहाडे वी होश उड़ जाणगे कि इन्नी भारी मात्रा दे विच नशा लोग बेडर हो के लेके आउंदे ने। ते हुण तां खैर फड़िया गया तां ना जाने किन्नी क वारी इस तरह क्वांटलां दे हिसाब दे नाल नशा दूजे सूबियां तों पंजाब दे विच आउंदा ते पंजाब दे विच फिर सरेआम बिकदा। तो जिहड़ा मामला सामने आया अबोहर तों है, राजस्थान तों एक ट्राला आ रहा सी ते पुलिस नूं शक सी ते नाकाबंदी की हुई सी ते नाकाबंदी ते जदों रोकिया गया उस ट्राले नूं जदों उस ट्राले की चैकिंग की गई तो ट्राले के विचों 4 क्वांटल 8 किलो चूरा पोस्त बरामद होया। तो इन्नी भारी मात्रा के विच नशा देख के पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। पुलिस अधिकारी ने इस बाबत जानकारी दी है तो हुण ट्रक ड्राइवर नूं गिरफ़्तार कर लिया गया, मामला उसते दर्ज किया तो अगली कार्रवाई हुण जारी है। तो पुलिस की यही कोशिश है कि नशा तक्षरी करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। सो जेकर तुहाडे इलाके दे विच भी कोई नशा तक्षरी करता है तो डरो ना, उसकी सूचना पुलिस को दो, फिर ही पंजाब नशा मुक्त होगा। सारियां नूं सहयोग करना पवेगा। सो उम्मीद है कि लोग भी सहयोग करन, कल्ली सरकार नहीं नशा खत्म कर सकती, लोगों को सहयोग करना जरूरी होगा। सो जेकर तुहाडी नॉलेज दे विच भी कोई है, जेकर तुहाडे इलाके दे विच भी नशा विकदा तो उसकी सूचना पुलिस को जरूर दिओ। सो इस मामले दे नाल संबंधित पुलिस अधिकारी ने की कुछ कहा सी तुहानू सुनाउणा चाहांगे। इस नाकाबंदी दौरान एक ट्राला राजस्थान की साइड तो आ रहा है, उसनों असी शक के बिना पर रोकया। तो उस जो ट्राले का ड्राइवर ओम प्रकाश पुत्र भागीरथ वासी जैसला तहसील फलौदी जिला जोधपुर, इनू असी नैब किया। तो इस ट्राले 408 किलोग्राम भुक्की जी है बरामद हुई है। सर ये पोस्ट कितों लेके आया, कितने सप्लाई करना सी? इस वास्ते असी मानयोग अदालत इन पेश किया, सानू 2 दिन का रिमांड मिले तो ये अभी सारे जो फैक्ट्स क्लीयर क्लैरिफाई कर लाँगे। सर इन तो होर भी कोई चीज़ बरामद हुई है? ये ट्रक किन्ने गेड़े ला चुका है माड़ा मोटा का दस्या? जो ट्राला है नमक की आड़ दे विच समगलिंग करने की ट्राई कर रहा है। तो बाकी जो फैक्ट्स है वो असी पुलिस रिमांड के दौरान असी क्लैरिफाई कर लाँगे। इन्हें कितने लेके जाना सी सर? वो सारा कुछ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जो अगे आके सामने आ जाएगा। नशा तक्षरी रुकण का नाम नहीं लै रही है। आए दिन मामले सामने आते रहते हैं। तो एक होर मामला जिहड़ा सामने आया सुन के एक बार तां तुहाडे भी होश उड़ जाणगे कि इन्नी भारी मात्रा दे विच नशा लोग बेडर हो के लेके आउंदे ने। ते हुण तां खैर फड़िया गया तां ना जाने किन्नी क वारी इस तरह क्वांटलां दे हिसाब दे नाल नशा दूजे सूबियां तों पंजाब दे विच आउंदा ते पंजाब दे विच फिर सरेआम बिकदा। तो जिहड़ा मामला सामने आया अबोहर तों है, राजस्थान तों एक ट्राला आ रहा सी ते पुलिस नूं शक सी ते नाकाबंदी की हुई सी ते नाकाबंदी ते जदों रोकिया गया उस ट्राले नूं जदों उस ट्राले की चैकिंग की गई तो ट्राले दे विचों 4 क्वांटल 8 किलो चूरा पोस्त बरामद होया। तो इन्नी भारी मात्रा दे विच नशा देख के पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। पुलिस अधिकारी ने इस बाबत जानकारी दी है तो हुण ट्रक ड्राइवर नूं गिरफ़्तार कर लिया गया, मामला उसते दर्ज किया तो अगली कार्रवाई हुण जारी है। तो पुलिस की यही कोशिश है कि नशा तक्षरी करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। सो जेकर तुहाडे इलाके दे विच भी कोई नशा तक्षरी करता है तो डरो ना, उसकी सूचना पुलिस को दो, फिर ही पंजाब नशा मुक्त होगा। सारियां नूं सहयोग करना पवेगा। सो उम्मीद है कि लोग भी सहयोग करन, कल्ली सरकार नहीं नशा खत्म कर सकती, लोगों को सहयोग करना जरूरी होगा। सो जेकर तुहाडी नॉलेज दे विच भी कोई है, जेकर तुहाडे इलाके दे विच भी नशा विकदा तो उसकी सूचना पुलिस को जरूर दिओ। सो इस मामले दे नाल संबंधित पुलिस अधिकारी ने की कुछ कहा सी तुहानू सुनाउणा चाहांगे। की गई सी इस नाकाबंदी के दौरान एक ट्राला राजस्थान की साइड तो आ रहा, उसनों असी शक के बिना पर रोकया। तो उस जो ट्राले का ड्राइवर ओम प्रकाश पुत्र भागीरथ वासी जैसला तहसील फलौदी जिला जोधपुर, इनू असी नैब किया। तो इस ट्राले 408 किलोग्राम भुक्की जी है बरामद हुई है। सर ये पोस्ट कितों लेके आया, कितने सप्लाई करना सी? इस वास्ते असी मानयोग अदालत इनू पेश किया, तो सानू 2 दिन का रिमांड मिले तो ये अभी सारे जो फैक्ट्स क्लीयर क्लैरिफाई कर लाँगे। सर इन तो होर भी कोई चीज़ बरामद हुई है? ये ट्रक किन्ने गेड़े ला चुका है माड़ा मोटा का दस्या? जो ट्राला है नमक की आड़ दे विच समगलिंग करने की ट्राई कर रहा है। तो बाकी जो फैक्ट्स है वो असी पुलिस रिमांड के दौरान असी क्लैरिफाई कर लाँगे। इन्हें कितने लेके जाना सी सर? वो सारा कुछ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जो अगे आके सामने आ जाएगा।